महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पहले शिवसेना पर कब्जा जमाए बैठे शिंदे ने अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेटर लिखा है। इसी के साथ शिंदे ने राज्यपाल से गुजारिश की है कि विधान परिषद की खाली सीटों के लिए प्रस्तावित पारा नामों को रद्द कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल एकनाथ शिंदे के अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। इसी के साथ एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्यपाल द्वारा एवलसी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले 12 लोगों की सूची सौंपेगी और राज्यपाल इस सूची पर मुहर लगा सकते हैं। खबरों के मुताबिक सीएम शिंदे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उन नामों को वापस लेने के लिए कहा है जिन्हें एमवीए गठबंधन ने एमएलसी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। इसीलिए शिंदे गुट राज्यपाल को नई सूची सौंप रहा है। शिंदे गुट और बीजेपी अब तय करेगी कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नियुक्त किए गए 12 सदस्य कौन होंगे। बता दें कि शिंदे ने ये कदम शिवसेना से बगावत करने के बाद उठाया है। वहीं इससे पहले अब तक उद्धव ठाकरे वाली पिछली सरकार ने 2 बार एमएलसी उम्मीदवारों की सूची सौंपी थी, लेकिन राज्यपाल कोश्यारी ने तकनीकी या कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विवाद तूल पकड़ने के साथ ही मामला कोर्ट तक पहुंच गया। एमवीए ने तब आरोप लगाया था कि कोश्यारी बीजेपी की ओर से काम कर रहे थे, जो राज्य में विपक्ष में थी लेकिन केंद्र में सत्ता में थी। हालांकि अब राज्य में बीजेपी और शिंदे की सरकार है और दूसरी तरफ एमएलसी को लेकर कोश्यारी की तरफ से भी हरी झंडी मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर शिंदे के एमएलसी वाली सूची को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी स्वीकार कर लेते हैं तो ये उद्धव ठाकरे और एमवीए के लिए बड़ा झटका होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।